अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे फीडबैक मैकेनिज्म के ऊपर। हमारी जो ह्यूमन बॉडी होती है वो नंबर ऑफ मैकेनिज्म्स परफॉर्म करती है। और ये नंबर ऑफ मैकेनिज्म्स क्यों परफॉर्म करती है? टू मेंटेन होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए हमारी जो बॉडी है वो नंबर ऑफ मैकेनिज्म्स परफॉर्म करती है। और ये जो मैकेनिज्म्स होते हैं ये हमारे पास ज़्यादातर फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस होते हैं। फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस से मेरी मुराद ये है कि डिफरेंट ऑर्गन्स जो होते हैं वो फंक्शन करते हैं इन ऑर्डर टू मेंटेन द होम्योस्टेसिस। अब हमारे पास ये जो हमारे पास एक चेक एंड बैलेंस मैकेनिज्म होता है जो कि इन ऑर्गन्स की फंक्शनिंग को इन्फ्लुएंस करता है कि वो उस वक्त जो काम करना है उसके मुताबिक वो अपनी फंक्शनिंग करें। तो होम्योस्टेसिस को ऑपरेट करने के लिए हमारे पास एक चेक एंड बैलेंस मैकेनिज्म होता है एक चेक एंड बैलेंस मैकेनिज्म होता है। ये चेक एंड बैलेंस मैकेनिज्म ध्यान रखता है कि बॉडी में किस वक्त किस चीज़ की कमी है और किस चीज़ की ज्यादती है, बॉडी में क्या चीज़ है जिसको हमें इंट्रोड्यूस कराना है और बॉडी में क्या चीज़ है जिसकी इलिमिनेशन करवानी है। ये चेक एंड बैलेंस मैकेनिज्म बेसिकली हमारे पास होम्योस्टेसिस को मेंटेन करता है। इस चेक एंड बैलेंस मैकेनिज्म को हम कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। जो कि आज का हमारा टॉपिक है। तो हमें पता चल गया कि फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है। ये एक चेक एंड बैलेंस मैकेनिज्म है हमारी बॉडी में जो कि होम्योस्टेसिस को मेंटेन करता है। अब सवाल आता है कि ये फीडबैक मैकेनिज्म हमारे पास किस तरीके से वर्क करता है। फीडबैक मैकेनिज्म हमारे पास कंट्रोल सिस्टम के तहत वर्क करता है। कंट्रोल सिस्टम जो है वो किस तरीके से वर्कआउट करता है मैं आपको दिखाती हूँ। फॉर सपोज हमारी बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हुई जो कि ज़्यादातर हमारी बॉडी में स्टिमुलस क्रिएट करता है। स्टिमुलस हमारे पास क्या होता है? ये चेंज होता है इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। और ये इनिशिएट करता है होम्योस्टेटिक रिस्पॉन्स को। अच्छा, हमारे पास कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो वो डिटेक्ट होती है बाय स्पेशल ऑर्गन्स जिनको हम रिसेप्टर्स कहते हैं। अब ये स्पेशल ऑर्गन रिसेप्टर्स ज़्यादातर ये हमारी स्किन ही होती है और डिफरेंट हमारे पास रिसेप्टर्स हैं, हम फर्दर टॉपिक में वो पढ़ेंगे। तो ये जो रिसेप्टर्स होते हैं ये क्या करते हैं, जब प्रॉब्लम को डिटेक्ट करते हैं तो ये इन्फॉर्मेशन ये कंट्रोल सेंटर तक पहुँचाते हैं। और कंट्रोल सेंटर कौन है? हमारा ब्रेन है। हमारे ब्रेन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाते हैं कि बॉडी में
किसी चीज़ की कंसंट्रेशन ज़्यादा है या किसी चीज़ की कंसंट्रेशन लो है, कोई प्रॉब्लम है जो कि हमारी बॉडी को अफेक्ट कर रही है, इन्वायरमेंटल चेंजेस की वजह से जो भी प्रॉब्लम आती है वो इसको जाके सेंड करेगा कि हमारी बॉडी में ये भाई ये प्रॉब्लम आ रही है, इसको ठीक करना है। तो कंट्रोल सेंटर जो है ब्रेन, ये क्या करेगा, उस प्रॉब्लम के लिए एक अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स क्रिएट करेगा, एक अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स क्रिएट करेगा और इस अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स को ऑर्गन्स को सेंड करेगा। ये ऑर्गन्स कौन से होते हैं, इन ऑर्गन्स को हम इफेक्टर कहते हैं, और ये ज़्यादातर हमारे पास मसल्स और ग्लैंड्स होते हैं, मसल्स और ग्लैंड्स वगैरह होते हैं। जैसे अगर हमें किसी कोई रिस्पॉन्स ऐसा चाहिए जिसमें मसल कॉन्ट्रेक्शन चाहिए, तो उसमें मसल्स वर्कआउट करते हैं, ब्रेन उनको इन्फॉर्मेशन पहुंचाएगा तो वो वर्क करेंगे। अब ये जो इफेक्टर होता है ये क्या करता है, ये इस प्रॉब्लम के अगेंस्ट वर्क करता है और कोशिश करता है कि इस प्रॉब्लम को वापस बैक टू नॉर्मल लाया जा सके, यानी जो भी चीज़ है, जो भी प्रॉब्लम डिटेक्ट हुई है वो वापस उसकी नॉर्मल कंडीशन में आ जाए, यानी वो प्रॉब्लम हल हो जाए और होम्योस्टेसिस मेंटेन हो जाए। तो ये कंट्रोल सिस्टम इस तरीके से वर्कआउट करता है हमारे पास। अब हम बात करते हैं फीडबैक मैकेनिज्म्स की टाइप्स की। फीडबैक मैकेनिज्म हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म और दूसरा होता है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म हमारे पास जो भी प्रॉब्लम आती है उसको इन्हेंस करता है, यानी जो भी स्टिमुलस क्रिएट होता है उसको इन्हेंस करता है, जबकि नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म उसे अपोज करता है। यानी कि पॉजिटिव फीडबैक का जो हमारे पास इफेक्ट होता है वो काफ़ी सिमिलर होता है, और जो नेगेटिव फीडबैक का हमारे पास इफेक्ट होता है वो अपोजिट होता है, अपोजिट टू दैट स्टिमुलस, जो भी चीज़ हमारी, जो भी चेंज बॉडी में आ रहा है उसके अपोजिट काम करता है। हमारी बॉडी में जो ज़्यादा कॉमनली फीडबैक मैकेनिज्म काम करता है वो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म काम करता है, ये मोस्ट कॉमन फीडबैक मैकेनिज्म होता है, क्योंकि हमारी बॉडी में ज़्यादातर जो जितने भी हमारे स्टिमुलस क्रिएट होते हैं उन पर फीडबैक मैकेनिज्म नेगेटिव काम करता है। जबकि फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म भी हमारे पास काम करता है और इसके अच्छे इफेक्ट्स भी होते हैं, लेकिन कभी कभी ये हार्मफुल भी होता है। तो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म जो है वो इतना कॉमन नहीं है, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म मोस्टली हमारी बॉडीज़ में होता है, और पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म एक सीरीज़ होती है जो एक सिमिलर चेंजेस की, सिमिलर इफेक्ट्स की जो कि वर्क करती है। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म की एग्जांपल्स में हमारे पास आता है हीट स्ट्रोक और लेबर कॉन्ट्रेक्शन। हीट स्ट्रोक हमारे पास, जब हमें हीट स्ट्रोक लगता है तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम होने के बजाय इंक्रीज होता है, ऑल्दो ये काफ़ी हार्मफुल होता है, लेकिन हमारी बॉडी पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म में ये करती है। इसके अलावा बर्थ प्रोसेस में कॉन्ट्रेक्शन ऑफ मसल्स हमारे पास जो होती है वो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू ही होती है। अगर हम नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की बात करें तो इसकी एग्जांपल्स में हमारे पास ऑस्मोरेगुलेशन, थर्मोरेगुलेशन, ब्लड वॉल्यूम और प्रेशर और ब्लड ग्लूकोज लेवल आते हैं। ऑस्मोरेगुलेशन को अगर मैं आपको समझाऊं तो हमारी बॉडी में जो अगर सॉल्ट और वाटर की कंसंट्रेशन ऊपर नीचे होती है तो उसको बैलेंस करने के लिए हमारे पास ऑस्मोरेगुलेशन का प्रोसेस होता है। ऑस्मोरेगुलेशन लॉस ऑफ वाटर एंड गेन ऑफ वाटर को भी मेंटेन करती है। हमारे बॉडी में अगर सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है तो अल्टीमेटली हमें थर्स्ट आना और हमारी यूरिन की कंसंट्रेशन बढ़ना जब हमारी वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, और हमारे पास कम यूरिन आना जब हमारी वाटर की कंसंट्रेशन बिल्कुल कम होती है हमारी बॉडी में, इस सब को मेंटेन करना ऑस्मोरेगुलेशन में आता है, और ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की टाइप है। थर्मोरेगुलेशन में भी हमारे पास कुछ इसी तरीके से होता है कि हमारी बॉडी में जब गर्मियाँ होती हैं तो एक्सेसिव स्वेटिंग होती है, ये स्वेटिंग भी एक नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म का ही काम है, जिसमें ये हमारी बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर होता है उसको बैक टू नॉर्मल लाती है, हमारी बॉडी को कूल डाउन करने का प्रोसेस है स्वेटिंग, तो थर्मोरेगुलेशन में आता है ये।
ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर भी जब बढ़ता है और कम होता है, तो इस ये भी हमारे पास नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में आता है। हमारे वाटर जो होता है उसका वॉल्यूम, वाटर हमारे ब्लड में 90% तक वाटर होता है, तो वाटर की मेंटेनेंस वगैरह जो होती है, और ब्लड ब्लड का जो प्रेशर वगैरह होता है वो हार्मोन्स के जरिए से मेंटेनेंस वगैरह, ये सब कुछ ब्लड वॉल्यूम ब्लड प्रेशर जो है हमारा, ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म ये भी मेंटेन करता है। इसके अलावा ब्लड ग्लूकोज लेवल, हमारी ब्लड का ग्लूकोज लेवल जो होता है ये भी मेंटेन करता है। और किस तरीके से मेंटेन करता है इसको हम जरा थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। ब्लड ग्लूकोज लेवल, ब्लड ग्लूकोज लेवल हमारे पास किस तरीके से नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में मेंटेन होता है। फॉर सपोज अगर हमारी ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई है, हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई होता है तो हमारे पास कंट्रोल सेंटर के पास ये मैसेज जाता है कि हमारी ब्लड ग्लूकोज लेवल काफी हाई है। तो क्या होता है कि जो हमारा कंट्रोल सेंटर होता है ये जाके एक एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स क्रिएट करेगा और ये जाके ग्लैंड्स को देगा, और ग्लैंड में क्या करेंगे वो इंसुलिन की प्रोडक्शन करेंगे। जब ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई होगा तो हमारे पास इंसुलिन की प्रोडक्शन होगी, और ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो जाएगा। ग्लूकोज हमारे पास ब्रेक डाउन होगी और ये कन्वर्ट हो जाएगी एनर्जी में। और हमारा जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो वापस नॉर्मल पे आ जाएगा। इसी तरह जब हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल डाउन हो जाता है, हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल डाउन होगा तो ब्रेन क्या करेगा, वो स्टिमुलस देगा, ब्रेन के पास हमारे पास सॉरी स्टिमुलस जाएगा, और ब्रेन जो है कंट्रोल सेंटर एक अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स फिर से क्रिएट करेगा, वो ग्लैंड्स को भेजेगा, और ग्लैंड्स हमारे पास ग्लूकागॉन की प्रोडक्शन करेंगे। ग्लूकागॉन क्या करेंगे, ये हमारे पास फैटी एसिड्स, प्रोटीन और जितने भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स फॉर्म होती हैं कार्बोहाइड्रेट की, जितनी भी कार्बोहाइड्रेट की कॉम्प्लेक्स फॉर्म होती हैं उनको ये ब्रेक डाउन कराता है, उनकी हमारे पास ब्रेक डाउन कराएगा ये, और ब्रेक डाउन करा के उनको सिंपलर फॉर्म में लाएगा। सिंपलर फॉर्म हमारे पास, आपको पता होना चाहिए कि जितने भी हमारे पास मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं इनकी हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म करते करते आते ही हमारे पास कार्बोहाइड्रेट ही बनती है। जितने भी हमारे पास फैटी एसिड हैं, प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड है, ये सब जो हैं इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म हमारे पास अल्टीमेटली हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स ही आती है। तो ये ग्लूकागॉन क्या करेगा, इनकी ब्रेक डाउन वगैरह कराएगा और वापस से हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल बैक टू नॉर्मल हो जाएगा। इससे हमारे ब्लड में ग्लूकोज आएगी, ब्रेक डाउन से कार्बोहाइड्रेट इंक्रीज होगा और वो हमारी ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करेगा और बैक टू नॉर्मल करेगा। ग्लूकोगन तब तक काम करेगा जब तक हमारी ब्लड का ग्लूकोज लेवल बैक टू नॉर्मल नहीं हो जाता। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो गिव इट अ बिग थम्स अप और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। स्टे कनेक्टेड फॉर मोर। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।